हेलो, मैं हूं करण बजाज और आज हम लोग वो एक प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे पैसे बनाने के बारे में जो बहुत सरप्राइजिंग है। और मैं इसको सरप्राइजिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने कभी कॉन्शियसली कोशिश नहीं करी थी पैसे बनाने की, चाहे वो मेरी राइटिंग थी या फिर मेरा जॉब था एज डिस्कवरी हेड या फिर मेरा स्टार्टअप था वाइट हेड जूनियर। हर टाइम आई वॉज फॉलोइंग माई पैशन एंड बहुत मज़े से काम करा था बिकॉज मैं बहुत पैशनेट था उस काम के बारे में और कभी फाइनेंशियल गेन का सोचता नहीं था। पर अनकॉन्शियसली फाइनेंशियल गेन होता गया क्योंकि ये एक सरप्राइजिंग प्रिंसिपल पीछे काम कर रहा था। तो क्या है वो सरप्राइजिंग प्रिंसिपल जो अगर आप फॉलो करें तो आपको फाइनेंशियल गेन अश्योर्ड है, वो आज डिस्कस करते हैं। सो जो एक सरप्राइजिंग प्रिंसिपल है जो मैं सीखा हूं मनी के बारे में वो ये है कि मनी ऑलवेज फॉलोज ग्रोथ। अगर आप एक मिलियन टाइम्स ग्रो करेंगे तो आप मिलियंस बनाएंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे एज अ पर्सन तो बहुत ज़्यादा मनी नहीं बनाएंगे। और ये एक सरप्राइजिंग प्रिंसिपल है जो मैं सीखा हूँ पिछले 20 साल में। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए कि अगर मैं एक फॉर्मूला देखूँ जो सबसे ज़्यादा मुझे यूजफुल रहा है मनी के बारे में सोचने का, वो ये है कि अगर आपको सिग्निफिकेंट मनी बनाना है तो यू नीड टू ओन अ लार्ज पोर्शन ऑफ एन एसेट दैट कैन बिकम वेरी लार्ज। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने खुद की अपनी कंपनी बनाई तो ऑब्वियसली आपका उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट ओनरशिप है, और वो कंपनी अगर आपने बहुत मेहनत से ऐसी बनाई कि वो पूरी दुनिया में स्केल कर रही है, हर जगह लोग उसके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत पैसा मिलेगा। सेकंड, अगर आपने एक बुक लिखी और बुक अगर आपने खुद लिखी है तो इवन अगर आपके मेजर पब्लिशर्स हैं जैसे मेरे थे हार्पर कॉलिंस और रैंडम हाउस, तभी भी आपका 15% ओनरशिप रहेगा बुक में, और वो बुक अगर हर जगह उसकी कॉपीज बिक रही हैं तो अगेन आपको काफ़ी मनी मिलेगा। तो एज लॉन्ग एज आपके पास एक सिग्निफिकेंट ओनरशिप है एक ऐसे एसेट का जो सिग्निफिकेंटली स्केल हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका अपसाइड है मनी का। नाउ कई ऐसे एसेट हैं जहां पे आपका ओनरशिप सिग्निफिकेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपका अपना घर। पर अपसाइड ऑफ मनी सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं है क्योंकि एक घर में डेफिनेटली कुछ अपसाइड आ सकता है, बट इतना अपसाइड नहीं आ सकता बिकॉज वो ऐसा एसेट नहीं है जो पूरी दुनिया में स्केल हो सकता है, तो ऑब्वियसली आपका मनी का अपसाइड उसमें लिमिटेड है। या फिर दूसरा केस, आपने एक बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी लेकिन आप उसके 10,000 एम्प्लॉई हो, तो ऑब्वियसली आपका ओनरशिप उसके अंदर बहुत कम होगा। तो इवन इफ कंपनी बहुत अच्छी है और वो पूरी दुनिया में स्केल हो रही है, बट सिंस आपका ओनरशिप उसमें कम है, बियॉन्ड अ पॉइंट आपका मनी का अपसाइड लिमिटेड है। सो अगर आपको अनलिमिटेड अपसाइड चाहिए तो एक सिग्निफिकेंट ओनरशिप ऑफ एन एसेट दैट विल स्केल सिग्निफिकेंटली इज द वे टू मेक मनी। तो कैसे सिग्निफिकेंट ओनरशिप ले एक ऐसे एसेट का जो सिग्निफिकेंटली स्केल कर रहा है? आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो खुद अपना एक ऐसा एसेट क्रिएट करें, या दूसरा ऐसे किसी को ज्वाइन करें जो ऐसा एसेट बना रहा है, पर जल्दी ज्वाइन करें ताकि आपको उसका सिग्निफिकेंट ओनरशिप मिल सके। और दोनों ही केस में द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज ग्रोथ। मैं बताता हूं कैसे। तो पहला केस लेते हैं, अपना खुद का कुछ बनाना। तो अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मेरे दिमाग में कभी था नहीं कॉलेज में कि मुझे अपनी कंपनी बनानी है एक दिन, जैसे बहुत लोग के दिमाग में होता है। मैं बस ग्रो कर रहा था बहुत ज़्यादा कॉलेज के बाद, मैं बहुत पढ़ता था, आई यूज़ टू रीड अ लॉट। उसके बाद मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट करा, एक साल अपना जॉब छोड़ के ट्रैवल करा, फिर उसके बाद अपनी बुक्स लिखी, बुक्स लिखते हुए बहुत ग्रो करा मैंने क्रिएटिवली। उसके बाद एक साल योगा सीखा, फिर उसके बाद डिस्कवरी चैनल में आया, वहाँ पे टीवी चैनल लॉन्च करे। हर साल आई वॉज ग्रोइंग सो मच कि एक टाइम के बाद उस बॉक्स में स्पेस नहीं था और ग्रो करने का, तो बहुत ऑब्वियस था कि मैं अपना खुद का कुछ करूँगा और मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। दूसरा केस अगर लो कि आपने किसी को ज्वाइन करा जल्दी जो अपनी कंपनी स्टार्ट करें, और मेरे केस में काफ़ी हुआ था वाइट हेड जूनियर में, जो अर्ली लोग आए जैसे मेरे CTO थे वो माइक्रोसॉफ्ट छोड़ कर आए बिकॉज उनको सबको ग्रो करना था, उन्हें कुछ अपना खुद का बनाना था, खुद की अपनी टेक कंपनी बनानी थी। और एक बार उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी तभी भी उनके साथ यही प्रिंसिपल था, वो इतने हंग्री थे ग्रोथ के बारे में, चाहे मेरे CTO थे या मेरे प्रोडक्ट के हेड थे, कि वो सारा टाइम देखते रहते थे कि कैसे बेटर कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, US में क्या हो रहा है, बाकी कंपनीज क्या कर रही हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं और बेटर करने के लिए। और वो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ से कंपनी भी आगे गई और एज अ रिजल्ट उन लोग का भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन हुआ जब कंपनी का एग्जिट हुआ, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे कीन थे अपनी। तो अंडरलाइन प्रिंसिपल यही है, अगर आप बहुत ग्रो हो रहे हैं तो एक ना एक टाइम के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलता ही है। तो मेरा क्या एडवाइस है डिस्प्रोपोर्शनेट फाइनेंशियल गेन के लिए? सबसे पहले अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट करिए, रीड करो, ट्रैवल करो, राइटिंग करो, अपना साथ में यूट्यूब चैनल बनाओ, कोई छोटा सा कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करो जिससे आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, फिर अपनी बुक लिखो, कभी अपनी कंपनी स्टार्ट करो। बट अगर आपने ये करते गए
तो एक ना एक टाइम पर आप इतना ग्रो करेंगे कि आपका जो भी एंडेवर होगा, चाहे अपनी कंपनी खुद की बनाई आपने, या फिर आपने किसी और की कंपनी जल्दी ज्वाइन करी, या फिर कुछ ऐसा बुक लिखा जो पूरी दुनिया में जा रहा है, बट अगर आपने बहुत ग्रो करा, एक ना एक टाइम के बाद मनी विल फॉलो, बिकॉज मनी ऑलवेज फॉलोज ग्रोथ। और अब एक बोनस फाइनेंसिस के बारे में, कितना पैसा इनफ है कि आप अपना जॉब क्विट कर सकें और अपना पैशन फॉलो कर सकें, या फिर आप अपना जॉब, अगर आप पैशनेट है उस जॉब के बारे में, तो आप वो जॉब में कंटिन्यू कर सकें बट विदाउट केयरिंग कि पैसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, बिकॉज आपका उतना बन चुका है कि काफ़ी है। काफ़ी लोग इधर उधर की बातें करते हैं कि कुछ काफ़ी नहीं होता है, बहुत कुछ चाहिए होता है, कभी भी मनी इज़ नेवर इनफ, बट एक्चुअली वो सब गलत है। एक रूल है जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास इनफ है या नहीं है अपना पूरी तरह पैशन फॉलो करने के लिए, एंड वो रूल है 4% रूल। वो ये कहता है कि आपको एक साल में कितना पैसा चाहिए कंफर्टेबली रहने के लिए, वो डिसाइड कीजिए। तो अगर आप वो डिसाइड करते हैं कि मुझे साल में 1 करोड़ चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और 1 करोड़ मेरे लिए काफ़ी है फॉर ऑल माई नीड्स, चाहे वो बच्चों का स्कूल जाने का नीड्स हो या फिर घर का रेंट हो, उस सब के लिए 1 करोड़ में मैं कंफर्टेबली रह सकता हूँ, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 4% विच इज़ 25 करोड़ इज द अमाउंट ऑफ मनी यू नीड। एंड अगर आपके पास उतना है तो आप हमेशा के लिए, चाहे आप 30 ईयर्स के हों या 70 ईयर्स के हों, आप जॉब छोड़कर अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। तो ये 4% रूल कहाँ से आया? तो ओरिजिनल स्टडी जो हुई थी वो US में हुई थी रिटायरीज के ऊपर, एंड उन्हें US का रिटर्न्स और US के इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा था कि 4% काफ़ी है रिटायरीज के लिए अगले 30 साल रहने के लिए। पर मैंने ये रूल काफ़ी कंसिस्टेंटली देखा है कि ऑलमोस्ट हर मार्केट में, हर जगह में यूज में आता है। तो अगर मैं इंडिया का देखूँ फॉर एग्जाम्पल, तो सेंसेक्स का पिछले 10 साल में किसी भी ईयर में रिटर्न 10% से कम नहीं रहा है। अगर आप 10 ईयर रिटर्न देखें, तो सेंसेक्स का अगर 10 ईयर रिटर्न देखें, तो किसी भी एक इंडिविजुअल ईयर में 10 ईयर रिटर्न हैज नेवर बीन लेस देन 10%। और इन्फ्लेशन रेट्स हमारी रफली 6% रही है पिछले 10% में। तो अगर 10% मिनिमम रिटर्न है और 6% इन्फ्लेशन है, तो ये जो नेट 4% है, अगर आपके पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है और आप इस 4% पे रह सकते हैं, तो ये हर साल आपको 4% मिल सकता है। और अगर आप सिर्फ प्रिंसिपल के रिटर्न पे अगर रह सकते हैं, तो आपका प्रिंसिपल कायम रहेगा। तो अगर आपके पास 25 करोड़ है और आप 4% ऑफ 25 करोड़, विच इज़ 1 करोड़ पर ईयर पे रह सकते हैं कंफर्टेबली ईयर ऑन ईयर, अगर सिर्फ बिना ज़्यादा समझदारी के अपना मनी सेंसेक्स या फिर कोई एक रेगुलर इंस्ट्रूमेंट में डालें जो प्रिडिक्टेबली 10 ईयर रिटर्न 10% का दे सकता है, तो आप रीजनेबली कंफर्टेबली इस अमाउंट पे रह सकते हैं। तो अगर आपने ये 4% रूल फॉलो करा, ये डिसाइड करा कि आपको एनुअल इनकम कितना चाहिए और उसको 4% से डिवाइड करा और उतना नेटवर्थ टारगेट करा एक्यूमुलेट करने का, उसके बाद आप फ्री हैं अपना पैशन फॉलो करने के लिए। क्या आपने पहले ये 4% रूल सुना था? क्या व्यूज़ हैं आपके इसके बारे में? डेफिनेटली मुझे कॉमेंट्स में बताइए। और कोई भी क्वेश्चंस हैं लाइफ, करियर या सक्सेस मॉडल्स के बारे में, वो भी लिखिए कॉमेंट्स में, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आप आंसर सुन सकें। मैं हूं करण बजाज, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।